जरूर देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पे जिस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको साइनअप कर देना है। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डाल देना है, उसके नाम पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना, उसके नाम पे आपको पासवर्ड डाल देना, उसका साइनअप पर क्लिक कर देना। और ध्यान दें आप जो भी ईमेल आईडी डालते हो वो ईमेल आईडी आपका रियल होना चाहिए ताकि आपके उसमें ओटीपी जा पाए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी डाले वो सिंपली यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन देने में मिल जाता है। सब कुछ फिल करने के बाद कन्फर्म का ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप इसको रीड करना चाहते तो रीड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे आप इस पेज पर पहुँचोगे, आपका मेन पेज है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेल्थ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी TRX वाला एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप TRX के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन देने को मिलेगा, होम पे क्लिक करके उसके यहाँ पे मैं आपको आगे चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का TR मतलब 50 TRX यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पर यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रहा है कि कितना रुपया यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्या मिल सकता है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले होम पे आ चुका, उसके बाद यहाँ पे आपको एक विड्रो का ऑप्शन देने मिलेगा, यहाँ पे आप विड्रो वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे विड्रो वगैरह के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब वैलेट वगैरह एड मतलब करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको रिचार्ज करने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज पे यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम रिचार्ज 50 TRX है। तो यहाँ पे 50 TRX यहाँ पे आपको रिचार्ज करना है। चलो यहाँ पे मैं आपको रिचार्ज करने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 50 डाल देना, जितना भी TRX यहाँ पे आपको भेजना होता है यहाँ पे आपको डाल देना। उसके यहाँ पे ट्रोन पे क्लिक करके ट्रोन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। चलो यहाँ पे मैं सब कुछ फिल कर दे, 50 डाल दिया, उसका ट्रोन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दे। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल पे यहाँ पे मैं OTP भेज देता हूँ, ईमेल पे OTP भेजने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं अपने ईमेल पे आपको OTP भेज दिया, OTP फिल कर दिया, उसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP वेरीफाई हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा अपना TRX का, इस एड्रेस को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना, कॉपी करके आपको हमें 50 TRX भेज देना। तो TRX भेजने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है मार्केट में, बायनांस, वजीरएक्स, कॉइनएक्स, गो ट्रस्ट वाले बहुत सारा आता है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला बायनांस, बायनांस पे क्लिक कर दिया। उसके यहाँ पर TRX पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली विड्रो पे आपको क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस एड्रेस को पेस्ट कर देना जो आप कॉपी किए थे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना जितना TRX हम जो आपको भेजना है। मैंने 50 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 50 यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको 50 नहीं डालना, आपको 51 TRX भेजना, क्योंकि 50 यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 49 TRX पहुँचेगा, क्योंकि एक TRX कट हो जाता है बायनांस की तरफ से। इसलिए यहाँ पे मैं 50 TRX नहीं 51 TRX यहाँ पे मैं भेजने वाला हूँ, जिससे कि मेरे अकाउंट में 50 TRX यहाँ पे सेंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 50 TRX सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं OTP वगैरह फिल कर दिया, उसके यहाँ पे आप देखते हैं सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट इंतजार करूँगा, 5 से 10 मिनट इंतजार करने के बाद आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट इंतजार करे, तो उसके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे अकाउंट में आज का 60 TRX पे हो चुका है, 10 TRX था और यहाँ पे 60 TRX हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट में वगैरह, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे विड्रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विड्रो पासवर्ड यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर देना। कोई भी एक पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हो 6 डिजिट का, जिससे आप विड्रो कर पाओगे ताकि आपका और कोई विड्रो नहीं कर पाए। तो विड्रो वाला पासवर्ड यहाँ पे मैं चूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट में 60 TRX, अगर आप इसको विड्रो करना चाहोगे तो यहाँ पे अभी आपका विड्रो नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड मतलब सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड विड्रोल एड्रेस यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आपको एक विड्रोल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो विड्रोल एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला अपना बायनांस एप्लीकेशन, और यहाँ पे डिपोजिट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। डिपोजिट पे क्लिक कर दे और यहाँ पे आपको उसे इस एड्रेस को कॉपी कर लेना TRC20 का। आप कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो डिपोजिट के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना बायनांस। उसके बाद यहाँ पे मैं सॉरी विड्रो के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं फिल कर दिया। उसका फिल करने के बाद सिंपली सबमिट का ऑप्शन देने मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा जाएगा मेन बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना जितना भी TRX यहाँ पे आपको विड्रो करना है। तो यहाँ पे मैं 60 डाल दिया, लेकिन यहाँ पे 60 TRX यहाँ पे मेरा विड्रो नहीं होगा। यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जितना जो भी पासवर्ड मेरा था, पासवर्ड डालने के बाद उसके यहाँ पे आप देख सकते हो नो कैश विड्रॉल विदाउट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप यहाँ पे विड्रो कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको फिर वेल्थ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 50 TRX का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 50 TRX पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके यहाँ पे आपको रोज 3-3 TRX यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 5% यहाँ पे आपको मिल रहा है आप 60 TRX यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दो, और यहाँ पे आपको जितना TRX यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना उतना यहाँ पे आप डाल सकते हो। मिनिमम यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 60 TRX मेरे अकाउंट में है। तो यहाँ पे मैं 60 का 60 पूरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं 60 यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूँ, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक दिन यहाँ पे 3 TRS यहाँ पे पर डे हमें मुझे मिलेगा, क्योंकि 5% यहाँ पे मुझे मिलना है, तो काफ़ी सही चीज़ है। इस तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी जिम्मेदारी पे करना, रिसर्च करके करना, क्योंकि भाई मेरा वीडियो है, आपको वीडियो बना के बस बताना। तो मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस आपका काम है कि रिसर्च करो, रिसर्च करके बाद रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना, ठीक है। मेरा बात मानने का जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च करना। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि आपके अकाउंट में 60 TRS था, अब यहाँ पे 63 TRS यहाँ पे देखने को मिल रहा। बट फिलहाल ये यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मतलब विड्रॉ नहीं कर पाओगे, विड्रॉ करने के लिए आपको एक दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि 24 आवर्स के बाद ही यहाँ पे आपके अकाउंट में पेमेंट पहुँचेगा। और यहाँ पे आपको शेयर करने भी यहाँ पे ऑप्शन देखने में मिलता है, शेयर करने भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। सीरीज कॉपी कर लेना अपने दोस्तों को, फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे लेवल 3 तक अर्निंग मिल जाता है। काफ़ी सही चीज़ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाओ, थोड़ा सा सर्च करो, रिसर्च करो, उसका इन्वेस्टमेंट करो। मिलते नेक्स्ट में, धन्यवाद।